إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد. صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انما النساء شقائق الرجال. قابل الترام مار بينهم. अल्लाह रबूमी ने दीन के जो अहकाम दिए हैं जहाँ वो मर्दों के लिए हैं औरतों के लिए भी हैं लिहाजा नेकियों पर जो फ़जीलत हदीसों में मर्दों के लिए बयान हुई है वो फ़जीलत चाहे उस हदीस में औरत का जिक्र आए या ना आए वो औरतों के लिए भी है ऐसी हदीसें जो ख़ास मर्दों के लिए हैं वो तो मर्दों के लिए ही हैं लेकिन अगर मूमी तौर पर बग़ैर इख्तिसास के बग़ैर ख़ास किए हुए अगर कोई बात आती है तो मर्दों के लिए जो अहकाम हैं वही औरतों के लिए भी हैं इसी तरह से बुराइयाँ और उन पर जो व़द है अगर वह मर्दों के लिए है तो औरतों के लिए भी वो वोद है लिहाजा हदीसों में जब हम पढ़ें कि फ़लाँ शख्स ने पूछा कि कौन सा अमल जन्नत में ले जाने वाला है कौन सा जहन्नम में ले जाने वाला है तो अगरचे पूछने वाला मर्द है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी को जवाब दे रहे हैं लेकिन बिलवास्ता वो बात पूरी उम्मत के लिए मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया औरतें मर्दों ही के मिसल हैं इस एतबार से जितनी बातें मर्दों के लिए हैं वही औरतों के लिए भी शरीयत में दीन में शर्यकाम में है इल्ला ये कि कोई ख़ास हुक्म हो जो मर्दों के लिए हो या कोई ख़ास हुक्म हो जो औरतों के लिए हो तो ये बुनियादी नुक्ता है जिसको याद रखना ज़रूरी है ताकि ऐसा ना हो कि कोई औरत ये सोचे कि फ़ुला मसले में औरतों का तो ज़िक्र नहीं है ये मर्दों के लिए है नहीं जहाँ मर्दों का ज़िक्र है वो हुक्म उनके लिए भी है और औरतों के लिए भी इसकी एक मिसाल आप देखें अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई और लोगों को दिखाने के लिए कि आप कैसे नमाज़ पढ़ते हैं आप मिंबर पर खड़े हुए हैं और आपने क़याम मेंबर पर किया लेकिन जब सज्दे का वक्त आता तो आप मेंबर से नीचे उतरकर मेंबर की जड़ में ज़मीन पर सद्दा करते हैं नमाज के मुकम्मल होने के बाद आपने सहाबा से कहा मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि तुम मेरी नमाज की इक्तदा करो मेरी नमाज को देखकर तुम उसको फॉलो करो ज़ाहिर बात है बज़ाहिर खिताब मर्दों से है लेकिन आप जानती हैं कि उस ज़माने में मस्जिद में मर्दों के साथ साथ औरतें भी आती थीं लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला ने जो नमाज़ पढ़ाई आपने सारे मुसलमानों के लिए पढ़ाई ये नहीं कि आपने इसको मर्दों के साथ खास किया हो इसे मालूम होता है कि शऱ्काम में नबी अक्रम सल्ला वम का उसवा सारे मुसलमानों के लिए है मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी अगरच नबी सली वसलम एक मर्द थे लेकिन आपका तरीक़ा आप की सन्नतें सिर्फ़ मर्दों के लिए नहीं हैं बल्कि वो औरतों के लिए भी हैं सिवाए उन अहकाम के जो औरतों के लिए ख़ास होते हैं जैसे पर्दा है या बाकी के अहकाम हैं या इसी तरह से दूसरे निकाह के बाद के मामल हैं ये सारी चीज़ें जिसमें औरतों के लिए मामला ख़ास होता है औरतों के लिए है। वरना जिसमें औरतों की खसूसियत ना हो या मर्दों की खसूसियत ना हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौली तलीमत और आपके आपकी सुन्नतें सारे मुसलमानों के लिए मर्द औरत और और दोनों के लिए तो बहरहाल ये जो सिलसिला हमारा शुरू है तोहफतुल निसा इसके बिल्कुल अख़ीर हिस्से में हम लोग हैं और तिरालीस हदीसें फ़ोटी थ्री अहादीस इससे पहले दुरुस्त में हम मकम्ल कर चुके हैं आज इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आगे बढ़ाते हुए आइंदा जो हदीसें हैं उनका हम मताल करेंगे इन जो दो हदीसें हम देखेंगे वो जानवरों से मुतल हैं इस्लाम न सिर्फ़ इंसानों के हकूक़ की हिफाज़त करता है बल्कि इस्लाम में जानवरों के हकूक़ की भी हिफ़ाजत और उनका तहफ़ है जहाँ इस्लाम ये सिखाता है कि हमको इंसानों के साथ अच्छा सलूक करना है वही इस्लाम की तालीम ये भी है कि हम जानवरों के साथ भी अच्छा सलूक करें। ये कि वो जानवर मोज़ी हो ऐसा जानवर जो इंसानों को नुकसान पहुँचाता है और खसूस ऐसी हालत में जबकि वो नुकसान पहुँचा रहा हो तो ऐसे जानवरों को कत्ल करने की गुंजाइश इस्लाम में है लेकिन आम जानवर जो किसी को अजियत नहीं पहुँचाते हैं तो ऐसे जानवरों को सताना तकलीफ़ देना ये इस्लाम में गुनाह है क़यामत के दिन उसका हिसाब लिया जाएगा और उसकी सज़ा मिलेगी इसी तरह से जानवरों के साथ अगर इंसान नेकी करता है तो ये नेकी भलाई का सलूक रहमदिली का सलूक ये रायगा नहीं जाएगा बल्कि इसका सवाब इंसान को दुनिया और आख़रत में मिलता है बल्कि इस नेकी की बिना पर इस एक नेकी की बिना पर भी एक इंसान की मफरत हो सकती है आइए ये दो बातें हम समझने की कोशिश करते हैं इस बाब में जो जानवरों से मुतालिक है कुत्ते को पानी पिलाने वाली औरत का किस्सा। हदीस के अल्फाज क्या हैं अन अबी رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما कलबन

सड़सठ और सही मुस्लिम किताबुसम हदीस नंबर 2245 अल्फाज मुस्लिम के क्या हदीस हैं अबू हर रदी अल्लाह तु से रवायत फ़रमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लाम ने इरशाद फरमाया बई नमा युतीफु युतीफ़ बखी एक कुत्ता किसी ज़माने की बात है बई ऐसा वक्त था कि एक कुत्ता एक कुएं के आसपास चक्कर लगा रहा था युतीफो तवाफ़ से है तो एक कुएं के आसपास चक्कर लगा रहा था घूम रहा था कदकाद अतश करीब था हालत ये हो गई थी कि अभी उसकी प्यास उसे मार डालेगी उसकी प्यास उसे कत्ल कर देगी ऐसी हालत पैदा हो गई थी कि प्यास से वो मर जाएगा इधरात हो बगी बगा या बनी इसराइल ऐसे में बनी इसराइल की एक फाहिशा औरत ने उसे देखा फाहिशा औरत जो किरदार और कैरेक्टर के अतबार से बुरी औरत हो जिनाकारी का अरतिक करती हो इधरअ बगैम बगाया बनी इसराइल बनी इसराइल की एक फाहिशा औरत ने उसे देखा पनज़ आयतम कहा उसने अपना मोज़ा उतारा और फस्तखत लहू भी और उसे उस मोज़े में पानी भर के पानी पिलाया फसकत हो या और यानि कुएँ में उतर के उसने पानी लिया मोज़े में लेकर आई और फिर उस कुत्ते को उसने पानी पिलाया फ़त लहू भी ही उस मोज़े में पानी भरा और फसकत हो ईया और उस कुत्ते को पानी पिलाया फ़ो फिर अल्लाह भी ही अल्लाह ताला ने इसी एक नेकी की बुनियाद पर उसकी मफफ़रत कर दी है इससे कई बातें मालूम होती हैं और इस हदीस में कई मसाइल हमारे सामने आते हैं इसे मालूम होता है कि जानवर के साथ भी एहसान करना मगफ़रत का ज़रिया है और वो भी ऐसे जानवर के साथ में जो इस्लाम में पालना मना है जानवर को कुत्ते को पालना मना है शौकिया तौर पर कुत्ता पालना जायज़ नहीं है अगर एक आदमी कुत्ता पालता है तो एक दिन में उसके एक किरात नेकियां ख़त्म हो जाती हैं एक आदमी कुत्ता अगर पालता है एक किरात पहाड़ ओहद पहाड़ के बराबर नेकियां उसके नाम अमाल से कम हो जाती हैं अगर एक कुत्ता आदमी पालता है इतना भयानक मामला है हाँ शिकार के लिए कुत्ता रेवड़ के लिए हिफाज़त के लिए कुत्ता या इसी तरह से अपनी यानी खेती बाड़ी ज़मीन की हिफाजत के लिए अगर आदमी कुत्ता पालता है तो घर में न रखते हुए बाहर अगर उसको रखता है तो इसकी गुंजाइश है गांव देहात में अगर खेती हो और चोर वगैरह आते हों या जान का किसी को ख़तरा हो या वो शिकार करता हो और जंगल में शिकार के लिए उसको कुत्ते की ज़रूरत हो जानवरों को पकड़ने के लिए जो सिधाया हुआ कुत्ता होता है ट्रेन डॉग होता है जिसको सिखाया जाता है शिकार कैसे करते हैं वो पकड़ के खा नहीं जाता उसको बल्कि मालिक के लिए उसको पकड़ के रखता है तो ऐसा जानवर अगर कुत्ता है उसकी गुंजाइश है लेकिन शौक़ के तौर पर बच्चों को कुत्ता डॉगी बहुत पसंद है इसलिए घर में रखे हैं तो उसको प्यार कर रहे हैं जायज़ नहीं है तो ऐसा जानवर जिसका पालना भी शौक़िया तौर पर घर में रखना भी इस्लाम में जायज़ ना हो लेकिन इस्लाम ऐसे जानवर के साथ भी एहसान की तालीम देता है तो कहा कि एक ऐसी औरत जो बगैम बगाया बनी इसराइल बनी इसराइल की एक फ्वाशा औरत थी कैरेक्टरलेस औरत थी एकदम जिनाकारी करती थी बुरी औरत थी ऐसी औरत ने उस कुत्ते को देखा कि वो प्यास से परेशान है हाँ पहा है करीब है कि उसको मौत आ जाए उसको, उसको उस पर रहमाया कुएं में पानी उसमें से अपने मोज़े में लिया क्योंकि बर्तन उसके पास था नहीं उस वक्त में तो जो चीज़ मैसर थी उसने उससे उसके लिए पानी कुएं से निकाला और ला कर उस कुत्ते को पिलाया इस यहाँ पर हदीस के अल्फाज हैं फ़ोफिर बिही उसकी मगफ़रत हो गई इस नेकी की बुनियाद पर इससे मालूम होता है दो बातें मालूम हुई हैं अल्लाह ताली किसी इंसान की किसी एक नेकी को पसंद कर ले और उसकी मफफ़रत कर दे ये मुमकिन है कि अल्लाह ताला को कोई एक अमल पसंद आ जाए किसी बंदे का और उसी बंदे पर उसी अमल पर उस बंदे की मफ़रत हो जाए ये हो सकता है इसलिए किसी नेकी को हकीर नहीं समझना चाहिए एक फ़कीर कोई रास्ते में आ गया आप कि है मांग रहा है आपसे आपने उसको दे दिया बस आपने मामूली समझा उसको लेकिन उस फकीर को उस पैसे से बहुत बड़ी ज़रूरत उसकी पूरी हो गई एक वक्त का खाना उसको मिल गया उसने दिल से आपका एहसान माना बल्कि आपको दुआ दे दी उसके दिल से आपके लिए दुआ निकली हो सकता यही एक ने आपके लिए मफ़रत का ज़रिया बन जाए बाकी सारी नमाज़ें अपनी जगह रोज़े अपनी जगह सारी चीज़ें अपनी जगह लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक नेकी अल्लाह को बहुत पसंद आ जाती है और अल्लाह ताला उस एक नेकी की बुनियाद पर इंसान की मफ़रत कर देता है यही बात इस हदीस में बयान हुई है वो फिर भी अल्लाह ताला ने इस एक नेकी की बुनियाद पर उसकी मफ़रत कर दी मज़ीद इसमें बात दूसरी क्या है वो कोई औरत वो औरत कोई नेक औरत नहीं थी वो एक ख़ाशा औरत थी अल्लाह ताली ने उस एक नेक की बुनियाद पर उसके सारे गुना बख्श दिए और उसके मफफरत कर दी है तो ये मुमकिन है कि अल्लाह ताला अपने फ़ल्ल करम से किसी गुनाहगार को उसकी एक नेकी की बुनियाद पर भी माफ़ कर दी ये हो सकता है उसने तोबा नहीं की थी लेकिन उसने एक नेकी ऐसी कर ली कि अल्लाह ताला ने उस एक नेकी की बुनियाद पर उसकी मफफरत कर दी है तो ये भी हो सकता है कि एक गुनाहगार आदमी है और वो एक नेकी कोई ऐसी कर लेता है जो अल्लाह को पसंद आ जाए यहाँ मामला ये यह है कि वो अल्लाह को पसंद आना चाहिए जिसमें अखलास हो जाहिर बात है उस, उस उसके अतराफ कोई था ही नहीं उसने अपने दिल से वो नेकी की किसी को दिखाने के लिए नहीं शोहरत के लिए नहीं दुनिया में किसी बदले के लिए कुत्ता क्या देगा उसको किसी दुनियावी बदले के लिए उसने नेकी नहीं की कि आज मैं इसके साथ भला कर रही हूँ कल ही मेरे साथ भला करेगा नहीं बदले के तौर पर नहीं और उस नेकी में इखलास था क्योंकि अल्लाह ताला इखलास के बग़ैर नेकी कबूल नहीं करता है लेकिन उस एक नेकी के बुनियाद पर उसके सारे पाप अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया है इससे मालूम होता है कि किसी गुनाहगार इंसान के बारे में उसके अंजाम का फैसला नहीं करना चाहिए पता नहीं अल्लाह ताला को उसकी कौन सी नेकी पसंद आ जाए और वो उसकी मफ़रत कर दे ठीक है गुनागार हैं बुरा हैं उसकी बुराई पर रद्द करना चाहिए उससे दूर रहना उससे बचना उसकी सहबत से बचना ये सब अपनी जगह हैं लेकिन आखिरत का फ़ैसला आखिरत का फ़ैसला हम नहीं कर सकते दुनिया की हद तक हम बोल सकते हैं वो बुरा इंसान है वह गलत आदमी इसलिए हदीस में भी क्या आया है ये नहीं कहा बहुत नक औरत थी उसको बुरा आमद बोलो इसलिए कि मफ्रत हो गई उसकी नहीं बगैम में बगाया बनी इसराइल बनी इसराइल की वो सरकश औरत थी वो फ्वाहिश औरत थी बताया कि वो क्या थी उससे उसका पाप यानि उस पर जो लेबल दुनिया अतबार से था वह हट नहीं गया लेकिन अल्लाह ताला के हाँ उसका क्या मामला हुआ ये लोग नहीं जानते तो कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान दुनिया में गुनागार होता है लेकिन कोई नेकी उसने ज़िंदगी में ऐसी की होती है कि अल्लाह ताला बहुत मुमकिन है अल्लाह ताला उसकी उस नेकी की बुनियाद पर उसकी मफ़रत कर दे इसलिए किसी के आख़रत का फ़ैसला हमको दुनिया में नहीं करना चाहिए अरे ये शराबी था ये तो जहनम में गया होगा नहीं आपको नहीं मालूम हो सकता है उसने किसी भूखे को खाना खिलाया हो।, हो सकता है उसने कोई ऐसी नेकी की हो जो अल्लाह को पसंद आ जाए तो आप उसकी जन्नत जहन्नम का फ़ैसला न करें उसको अल्लाह पर छोड़ दें उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप ये बोल सकते हैं ये शराबी है ये औरत फ़लानी है ये फ़लानी गुनाह करती है ये फ़लाना गुनाह करता है ठीक है अगर वाकई ज़रूरत हो तो ये बोला भी जा सकता है कि ड्रग एडिक्ट है या ये फला ऐसा ऐसा आदमी है ओके ठीक है लेकिन आप उसकी जन्नत जहन्नम का फ़ैसला करें कि गुनाहगार हैं जहन्नम में जाएगा आपको नहीं मालूम क़्यामत के दिन अल्लाह फैसला करने वाला है आप नहीं आप कयामत का फ़ैसला दुनिया में कर दे रहे हो या आपके लिए जायज़ नहीं है तो ये बहुत बड़ी बात है जिसका लिहाज हर इंसान को रखना चाहिए बाज़त हम जल्दबाजी करके लोगों के बारे में उखरवी फैसले करने लग जाते हैं जन्नत जहनम के फतवे दागने लग जाते हैं नहीं करना चाहिए इस हदीस में इस बात की भी तालीम है कि बहुत मुमकिन है अल्लाह ताली किसी एक ने की बुनियाद पर किसी गुनाहगार की मफफ़रत कर दे इसे मालूम होता है कि बाज़ात इंसान ने तोबा नहीं की होती है लेकिन कोई नेकी आदमी ऐसी ले कर लेता है कि अल्लाह उस एक नेकी की बुनियाद पर अपने फ़जलो करम से उसकी मफफरत कर देता है कानून तो अल्लाह का यही है कि बंदा तोबा करेगा तो अल्लाह माफ़ करता है लेकिन कभी ऐसा होता है कि अल्लाह तल किसी एक नेकी की बुनियाद पर उसके सारे ही गुना अपने फ़जल करम से माफ़ कर देता है जिसने क़ानून बनाया है वो कानून से ऊपर है वो जो चाहता है करता है जिसकी चाहता है मफ़रत करता है और जिस गुनाहगार को चाहता है सज़ा देता है हाँ बेगुनाह को सज़ा नहीं देता लेकिन गुनाहगार को माफ़ कर सकता है उस पर लाजिम नहीं कि गुनाहगार को सज़ा ही दे उस पर लाजिम नहीं है कि गुनाहगार को सज़ा दे ही वो गुनाहगार को अपनी तरफ से माफ़ भी कर सकता है उसको इख्तियार है अल्लाह ताला फरमाता है माँ يفعل الله بعذابكم बेदाबी شكرتم इन शक्कर तुम आमन तुम और इसी तरह से अल्लाह ताली फरमाता है कई जगह पर अल्लाह ने अपनी मफ़रत के बारे में फ़रमाए कि जैसे अल्लाह ने यहाँ कहा कि अल्लाह तला तुमको आज़ाब देकर क्या करेगा अगर तुम ईमान ले आओ और शुक्रगुज़ार बने रहो तो कभी अल्लाह ताली ईमान की बुनियाद पर और कभी किसी एक नेकी की बुनियाद पर अल्लाह मफ़रत कर सकता है वह फयाल्लामय शाह अल्लाह ताली जो चाहता है करता है या फरमाया ला युसअलमां फैल वहूम युसअलून उससे पूछा नहीं जा सकता है कि उसने ऐसा क्यों किया जो कुछ उसने किया है कोई उससे सवाल नहीं कर सकता है बल्कि वहूम युसअलून बल्कि लोग उनसे पूछा जाएगा कि तुमने ऐसा क्यों किया अल्लाह को इख्तियार है कि हमसे सवाल करें तुमने ऐसा क्यों किया हमको इख्तियार नहीं है कि हम अल्लाह से सवाल करें कि अल्लाह तूने ऐसा क्यों किया क्यों इसलिए कि वो मालिक है वो बादशाह हैं हम बंदे हैं हम ग़ुलाम हैं तो उसको जो चाहे वो करें बादशाह है वो सारी कायनात उसकी है सारा कानून उसका बना हुआ है सारा निज़ाम वो चला रहा है वो जिसकी चाहे मफ़रत करते हैं कभी कभी अदीस में लोग सुनते हैं इस तरह की बातें तो एक मगालता उनके जहन में आता है वह कहते हैं देखो इससे तो लोग ऐसी हदीसें लोगों को सुनाएंगे लोग गुनाह करने लगेंगे किसी एक नेकी पर तकिया कर लेंगे ऐसा नहीं है आगे वाली हदीस बताती है कि कोई एक गुनाह भी इंसान को जहन्नम में ले जाता है तो इंसान को जहाँ अल्लाह से मायूस नहीं होना चाहिए वहीं अल्लाह ताला से बेफिक्र भी नहीं होना चाहिए तो इस हदीस में ये बात मिलती है कि अल्लाह ताला नंबर एक जानवर के साथ सलूक करना भी इस्लाम में बड़ी नेकी है नंबर दो अल्लाह ताला किसी एक नेकी की बुनियाद पर भी किसी की मफ़रत कर सकता है किसी नेकी को हकीर नहीं समझना चाहिए नंबर तीन बड़े से बड़ा गुनाहगार भी हो अल्लाह ताला हो सकता है किसी एक नेकी की बुनियाद पर उसकी मफफ़रत करें इसलिए किसी के बारे में जन्नत जहनम का फ़ैसला नहीं करना चाहिए एक और हदीस इसी बाब की हम देखते हैं अबू हर रदी अल्लाह कहते हैं अन्ना रसूल अल्लाह वसल क़ाल के अल्लाह के रसूल सल्ला सल ने फरमाया बई नमा रजुल यम इश्त दल हिल एक आदमी रास्ते में चला जा रहा था रास्ते में हाल ये हुआ कि उसको बड़ी शिद्दत से प्यास लगी इश्त दल हिल आकश आतश प्यास वजन फ़न ज़लफी हा बर कुआँ उसे एक कुआँ मिला फना जलफी हा वुएँ में नीचे उतरा शरीबा तो उसने पानी पिया सुम् माराजा फिर ऊपर बाहर आया कुएं में उतरा पानी पिया बाहर आ गया फ़ इदा कल्बुल यल हस जब बाहर आया तो उसने देखा कि बाहर एक कुत्ता है जो हाँप रहा है यल्हस कुत्ता जो ज़ुबान बाहर निकाल के हाँपता है उसको यल हस् कहते हैं कल्बन यल्हस तो यह अकुलस्सा रामीन आतश, और इतना हाँप रहा था और इतना प्यासा था कि प्यास की शिद्दत की वजह से असरा गीली मिट्टी कीचड़ जिसको आप कहते हैं वो कीचड़ में ही ज़ुबान चला रहा था फ़रा हो एक रिवायत में है उस आदमी को उस कुत्ते पर रहम आया फरा माह उसने कहा من العطش مثل खा न बल गबी उसने कहा ओह इस कुत्ते को भी वही तकलीफ़ हो रही है प्यास से जो थोड़ी देर पहले मुझे हो रही थी ये कुत्ता अभी उसी हाल में है जो थोड़ी देर पहले मेरा हाल था व नज़ल अलबिरा वह कुएँ में नीचे उतरा व मल अ ख़ूफ़ अहू और अपने ख़ुफ़ जो चमड़े का मोज़ा होता है उसको पानी से भरा सुफी फिर दांतों से मुंह में उसको मोज़े को पकड़ा क्योंकि दोनों हाथ से ऊपर आना है तो मुंह में वो मोज़ा पकड़ लिया ऊपर आने के लिए सब रख लिया और फिर सीढ़ी से ऊपर चढ़ के कुएँ से बाहर आया फ़क़ल अलकल्ब हता अरवा और कुत्ते को पानी पिलाया यहाँ तक कि वो कुत्ता पानी पीकर उसकी प्यास बुझ गई सैर हो गया फशक् फ़ाफ़रू अल्लाह ने उसकी इस नेकी को ऐसे कबूल किया कि उसकी मखफ़रत करती है फशक्ल्ला अल्लाह ने उस नेकी को इतना अप्रिशिएट किया उसकी नेकी की इतनी क़द्र की उसे इस तरह कबूल किया कि इसके बिना पर फाज आ रहा है यहाँ पर तो उसकी मफफ़रत कर दी यानी इस एक नेकी के बुनियाद पर अल्लाह ने उस आदमी की मफफ़रत कर दी जब ये वाक़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा के सामने बयान किया तो सहाबा ने पूछा कलू या अल्लाह व इन्ना ना फ़िल बहा अजरा कहा अल्लाह के रसूल क्या हमको चौपायों के साथ एहसान करने में भी अजर मिलता है साहबा के लिए एकदम सरप्राइज़ था ये ये ताजुब की चीज़ थी ये तो जानवर है ना तो जानवर में भी नेकी मिलती हैं इंसान के साथ अच्छा सलूक करने की तालीम इस्लाम में है लेकिन क्या जानवरों के साथ अच्छा सलूक करने पर भी अजर मिलता है कला नाम वाला नाम आपने कहा हाँ कुल दाति काबे दिन और हर तर जिगर रखने वाले के साथ एहसान करने में अजर है इसमें आपने बताया जिसमें जान है उसके साथ एहसान है जिस मखलूक में जिस जिंदा है उसके साथ एहसान किया जा सकता है आपने सारी मखलूक को इसमें जमा कर दिया न सिर्फ चौपायों के साथ बल्कि आपने जंगली जानवरों के साथ भी एहसान की बात इस हदीस में की है तो जितने जानदार हैं सभी जानदार के साथ में एहसान का सलूक है जिसके दिल में जिसके सीने में या जिसके पेट में जिगर है तो इससे मालूम होता है कि तमाम जानदारों के साथ इस्लाम की एहसान की तालीम है इल्ला ये कि वो जानदार ख़तरा बन जाएँ और इसके लिए अजियत पहुँचाने वाले बन जाएँ तो उनको कत्ल किया जा सकता है और बक़िया जो चौपाए हैं जिनका गोश्त खाया जाता है उसको कत्ल नहीं कहते हैं उसको ज़बह कहते हैं दोनों में फ़र्क याद रखें जिस जानवर को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल करने का हुक्म दिया है ये इस बात की दलील है कि उसका गोश्त खाना हलाल नहीं है क्यों इसलिए कि अगर हलाल होता तो कत्ल करने के बजाय उसको ज़बह करके खाओ बोलते कत्ल करना ज़ाय करना है कतल करना उसके गोश्त को ज़ाये करना है क्योंकि उसको जब कतल करेंगे तो मुर्दार के हुक्म में होगा और उसका खाना जायज़ नहीं होगा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल को ज़ाये करने से मना करते थे तो याद रखें कि बस लोग समझ में नहीं आता उनकी कि कैसे हराम हो गया और आप दलील दे रहे हैं कि उसको कतल का हुक्म दिया तो हराम कैसे हो गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जानवर के कतल का हुक्म दिया है इस बात की दलील है कि उसको ज़बाँ नहीं किया जा रहा है कत्ल किया जा रहा है और कत्ल करने पर उसका गोश आराम होगा अगर वह हलाल होता तो क़त्ल करने के बजाय ज़बह करने का हुक्म देते तो ये भी याद रखें कि ये ख़ुद एक दलील होती है जिससे मालूम होता है कि फ़लां जानवर ज़बा नहीं किया जाता है क़त्ल किया जाता है इस हदीस को इमाम अल बुखारी ने किताबल अदब में हदीस नंबर 6009 पर और इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम में सलाम हदीस नंबर दो हज़ार दो सौ चवालीस पर रिवायत किया है और हदीस का जो सयाक़ है वो बुखारी का है जब ऐसा कहा जाता है एहल कहते हैं वह सियाबुरी तो मतलब ये होता है कि असल अल्फाज जो हैं वो बुखारी के हैं और उसमें यानी ज़िमनन दूसरी हदीसें भी आ जाती हैं जैसे मुस्लिम में ये टुकड़ा ज़्यादा है और अबू दाऊद की रिवायत में ये टुकड़ा ज़्यादा है लेकिन सयाक बुखारी का है यानी असल हदीस बुखारी में है और ये ज़्यादात दूसरी हदीसों से ज़िक्र किए जा रहे हैं जैसा कि हमने यहाँ पर किया है मिसाल के तौर पर यहाँ आप देखें ये जो अल्फ़ा हैं फ़राह माह जैसे ये लफ्ज़ है यहाँ पर फ़रा माह फिर यहाँ पर मा अन फ ऱिया हत अरवा ये जो अलफ़ा हैं ये ज़्यादात हैं इसीलिए हाशे में यहाँ पर लिखा गया है ये जो नंबर एक है ये इबन अबान की रवायत में है फ़राह माहू उससे रहम आया ये लफ्ज़ ज़्यादा है इबनि अबान की में या इसी तरह से पानी का जिक्र है तो ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस दूसरी जगह पर है इसी तरह से ऊपर आया ये सिर्फ़ बुखारी में है तो इस तरह से बात अहल इल्म अदीस में कुछ ज़्यादात होती हैं मुख्तलिफ़ तुरुक में तुरुक किस को कहते हैं तुरुक रास्ते को कहते हैं एक हदीस कई रास्तों से आती है एक हदीस मुहदिस जब बयान करता है या कोई साहबी बयान करते हैं सुनने वाले कई होते हैं और हर सुनने वाला उसको अपने लोगों में बयान करता है जो उससे जुड़े हुए होते हैं और इस तरह से एक हदीस कई रास्तों से हम तक पहुंचती है उन रास्तों को जैसे ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस निकली तीन साहबियों ने सुना उनको उस हदीस को फिर तीन साहबा से फिर और कई लोगों ने उसको सुना तो इस तरह से ये हदीस इस तरीक़ से भी आई इस तरीक़ से भी आई और इस तरह से और कई तरीक़ हो सकते हैं तो इनको तुर्क कहते हैं इनको तुर्क कहते हैं ये तरीक़ है तो एक रिवायत के कई तुर्क होते हैं अहल इल्म इन सारे तुर्क को जमा करके फिर उनसे मतलब लेते हैं कि हदीस में वाकई क्या बात बयान हुई है लिहाजा तुर्क का इल्म भी ये बहुत ही मुफीद इल्म है जिससे हदीस के मानी समझने में आसानी होती है इस हदीस में क्या है इस हदीस में आप देखें एक आदमी जा रहा इसमें समझने की बात यह है एक बहुत बड़ी खैर जो उस आदमी में थी वो हमको याद रखना है और ज़िंदगी का एक बहुत अच्छा असूल है लोगों के साथ अच्छा सलूक करने और उनकी कोताहियों पर दरगुजर करने के अतबार से उस आदमी ने पहले तो जा रहा था प्यास लगी उसको प्यास लगी रास्ते में कुआं मिला कुआं मिला तो उसने कहा चलो यहाँ पानी है कुएं में उतरा नीचे पानी पिया ऊपर आया ऊपर आते ही देखा कुत्ता एक वहाँ पर है और इतना प्यासा है कि कीचड़ में ज़ुबान चला रहा है क्योंकि कुएं में उतर नहीं सकता और आसपास पानी है नहीं तो जो अवेलेबल है कीचड़ उसी की नमी से अपने सूखे गले को वो तर कर रहा है यहाँ देखने की चीज़ यह है कि उस शख्स के बारे में हदीस में क्या है फ़राहमा हो उसको उस जानवर पर आया कुत्ते पर रहमा है इसे मालूम होता है कि इंसान अच्छा इंसान वो है जिसके दिल में दूसरों पर रहम हो न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी फिर कहा लक़त बल कल बिनल अतश मितबि काना बल गे है बहुत अहम चीज़ कि उसने सोचा मुझको जो तकलीफ़ हो रही थी ये इसको भी हो रही है तो उसने अपनी तकलीफ़ पर कयास करते हुए उसकी तकलीफ को समझने की कोशिश की इसे एक बात ये मालूम होती है कि दूसरों को जब इंसान देखे तो अपनी तकलीफ का सोच कर उनके बारे में सोच सकता है कि मुझे भी तो बुरा लगता है ना ऐसा हुआ तो तो उसको कितना बुरा लगेगा कुछ नहीं होगा ऐसा तो नहीं है ना अगर कोई मेरी बेइज्जती कर दे अगर मुझे कोई तमाचा लगा दे अगर कोई मेरी ईबत करें अगर कोई मुझ पर तोहमत लगाए अगर कोई मेरा जान माल या इज़्ज़त का नुकसान करें मुझे कैसे लगेगा तो जैसे मुझको लगेगा उसको भी वैसे ही लगेगा ये जो सोच है इंसान को बहुत सारे गुनाहों से और जुल्म से बचाती है जब इंसान सोचता है कि मुझे कैसा लगेगा अगर मेरे साथ ये किया जाए लोग गुनाह क्यों करते हैं इज्जतें क्यों ख़राब करते हैं नुकसान क्यों पहुंचाते पहुं हैं दूसरों को जान माल का वो ये नहीं सोचते कि अगर ये मेरे साथ होता तो मुझे कैसा लगता किसी का कत्ल कर रहा है सोचें कि उसकी औलाद जब यतीम होगी बाप नहीं मिलेगा उनको उनको कैसे लगेगा अगर ये सोचना मुश्किल हो तो ये सोच ले कि अगर मैं मर जाऊँ मेरी औलाद को अगर मैं न मिलूँ बाप से महरूमी की तकलीफ़ उनको कैसे होगी बीवी को कैसी तकलीफ़ होगी शोहर की महरूमी की यही तकलीफ़ उसको भी होगी जब एक इंसान अपने बारे में सोचकर अपने पर दूसरों को कयास करता है इस तरह के मामलों में तो उसके लिए दूसरों को अजियत पहुंचाने से रुकना आसान हो जाता है और दूसरों का दुख समझने में आसानी होती है कि अगर ये मेरे साथ होता तो क्या होता उस आदमी को प्यास लगी थी वो उससे गुजर चुका था उसने जब कुत्ते को देखा तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं थी कि वो समझे कि, कि कुत्ते को क्या हो रहा होगा उसको क्या तकलीफ हो रही होगी क्योंकि उसने खुद उस प्यास से वो ख़ुद प्यास से गुज़रा था फिर उसने उसके अंदर रहम पैदा हुआ कि नहीं इसको भी वही तकलीफ़ हो रही है मुझको कैसी मेरी हालत हो गई थी और ये कुत्ता भी प्यासा है तो जब इंसान खुद तकलीफ़ से गुज़रता है दूसरों की तकलीफ़ समझना आसान होता है आप इसे समझ सकते हैं कि इस्लाम में गरीब और अमीर सभी को रोज़ा रखना फ़र्ज़ है एक अमीर आदमी जब प्यास से गुज़रता है भूख से गुज़रता है तो उसको समझ में आता है कि दुनिया में जो लोग ये तो मेरा इख्तियारी अमल था मेरे पास घर में सब कुछ है शहरी में भी अच्छा था इफ़ार में भी सब अच्छा है लेकिन ऐसे कितने लोग दुनिया में हैं जिनके पास न ढंग से शहरी के लिए है न इफ़ार के लिए बल्कि किसी के पास तो इफ़ार और शहरी के लिए भी नहीं है वो लोग रमदान क्या गैर रमदान में भी उनके पास ठीक से खाने को नहीं होता है कैसा लगता होगा उनको कितनी तकलीफ़ होती होगी भूख प्यास की महरूमी का कैसा एहसास दिल को सताता होगा रोज़ेदार को एक मालदार रोज़ेदार को रोज़े की हालत में इस बात का एहसास होता है कैसा प्यारा दीन इस्लाम जिसमें न सिर्फ सिर्फ़रबा को बल्कि मालदारों को भी रोज़ा रखने का हुक्म है ताकि वो दुनिया भर के लोगों के बारे में सोचें कि जिन जो भूख प्यास से गुज़रते हैं उनको कितनी तकलीफ होती होगी वो कैसे खाने के लिए तरसते होंगे ऐसे इलाके जहाँ पर खाना नहीं अवेलेबल अफ्रीका और इस तरह के इलाके हैं जहाँ पर खाने को भी ठीक से मिलता नहीं पीने के लिए साफ़ पानी भी नहीं मिल पाता है जब ये आदमी उस चीज़ से गुजरता है तब जाकर उसको एहसास होता है तो इस हदीस में एक बात यह है कि एक इंसान अपनी तकलीफ़ का सोचे और फिर दूसरों की तकलीफ के बारे में ये गौर करे कि वाकई उनको भी तो कितनी तकलीफ़ होती होगी कि मुझे कितना बुरा लगा ये इंसान को बहुत सारी बुराइयों से रोक देता है दूसरी बात इस हदीस में यह है कि वह आदमी नीचे उतरा पहली मरतबा अपने लिए फिर वापस आया उसने देखा कुत्ता प्यासा है उसने ये नहीं किया जाने दो भाई एक कुत्ते के लिए नीचे जाऊं मैं एक कुत्ते के लिए नीचे जाके पानी लाऊं मैं मेरा थोड़ी ना कुत्ता है वह आदमी हाँ ये नहीं सोचा है और इसका मेरा क्या लेना देना इसका तो नाम भी नहीं मालूम मुझको न ये मुझको पहचानता है न उसने मुझसे कोई गुजारिश की है उसने सिर्फ देखा उसको फिर से नीचे उतरा फिर नीचे जाकर उसने उस मोजे में पानी भरा मुँह से पकड़ के ऊपर लाया उसको पाँव का मोजा दांतों में पकड़ के लाया एक कुत्ते के लिए इस्तेमाल होता है कि इस्लाम में जानवरों के साथ सलूक की कितनी अहमियत है इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं एक आदमी था उसने ऐसा ऐसा किया कोई मामूली चीज़ नहीं कि नबी की ज़ुबान से किसी इंसान का वाक़ बयान हो छोटे मोटे अखबार में अगर किसी का वाक़ आ जाए कितना खुश होता ये रबालमीन के मुंतब रसूल की जुबान से निकल रहा है और जाहिर बात है आप तो थे नहीं वहाँ पर आपको अल्लाह की तरफ से बताया गया तो ये अल्लाह ने आपको बताया कि ऐसा आदमी भी था बताइए उम्मत को तो मालूम हुआ कि वो कितना सराहा गया अमल है जो नबी की ज़ुबान से लोगों के सामने बयान किया जा रहा है तो वह आदमी उस कुत्ते की खातिर नीचे उतरा और मोज़े में पानी भर के लाया उस कुत्ते को पिलाया यहाँ तक कि कुत्ता सैर हुआ अल्लाह ताला ने उसने इस नेकी को इतना पसंद किया कि उसकी मफ़रत कर दी साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल जानवर में भी अजर है कहाँ हर तर जगर रखने वाले यानी जिंदा मर के तो सूख जाता है सब कुछ हर तर जगर यानी जिंदा जानवर जो भी हैं उसके साथ एहसान करने में अज रहे तो ये हदीस बताती है कि इस्लाम न सिर्फ इंसानों के साथ बल्कि जानवरों के साथ भी एहसान की तालीम देता है आज जा के लोग ह्यूमन राइट्स के साथ एनिमल राइट्स और ये सब बातें करने लगे इस्लाम 1400 साल पहले हमको सिखा चुका है कि न सिर्फ दूसरे जानदार जिनको हम पालते हैं गाय बैल ऊंट, बकरी और मुर्गी और, और भी जानदार सिर्फ़ ये जानदार नहीं ऐसा जानवर जिसको भी नहीं है जो हमारा अपना भी नहीं है ऐसा जानवर ऐसे जानवर के साथ बे एहसान का सलूक करने पर अल्लाह के यहाँ आज है मगफरत है आइए और एक हदीस देखते हैं कब शाह बिन तकब इब्न मालिक कहती हैं वकान तहता इब्न अब कतादा अबू क़ताद रदी अल्लाह तुके बेटे की ये बीवी थी कब शाह अन कतादा कताद दखल कतादा जो उनके ससुर हुए वो घर में दाखिल हुए फ लहू वगो अन तो उन्होंने अपने ससुर के लिए पानी रखा वज़ू के लिए फजात हिर रतुन फ शरीरबतमिन हो इतने में एक बिल्ली आई और वज़ू के उस पानी में से पीने लगी फ़ल्ना हत्ता शरीरब्स हज़रत अबू कतादा जो कि सहाबी हैं उन्होंने देखा बिल्ली पानी पी रही है तो उसके लिए बर्तन अपना थोड़ा सा टेढ़ा करके झुकाया ताकि आसानी से वो पी सके क्योंकि बर्तन अगर ऊंचा हो तो ऊपर जा के उसको उसमें मुंह डुबो के और अगर नीचे पानी हो तो और भी मुश्किल पीना मुश्किल हो जाएगा या तो गिरा देगी या फिर नहीं पी पाएगी तो उन्होंने उसके लिए बर्तन को क्या किया झुकाया ताकि वह आसानी से उसमें से पानी पी सके असलना हत्ता बस उन्होंने बर्त, बर्तन को झुकाया और यहाँ तक कि उस बिल्ली ने पानी पिया। कब शाह फ़रा अमर अली कब शाह फरमाती हैं कि मैं उन्हें देखती रह गई तो उन्होंने भी मुझे देखा कि मैं देख रही हूँ यह क्या कर रहे हैं आप वज़ू का पानी एक बिल्ली को पिला रहे हैं फ़काल अ तय जबी नबन ता ए मेरी भतीजी भाई की बेटी तुमको ताज़ुब हो रहा है फ़कुल तुनाम कहती हाँ मुझे ताजुब हो रहा है आप वज़ू का पानी बिल्ली को पिला रहे हैं फ़क़ा इन रसूल अल्लाह वहाँ के अल्लाह के नबी सल्ला फरमाते थे बिल्ली के बारे में कि ये नजस नहीं है नापाक नहीं है इन तवाफिन अलैकुम व तवाफात ये तुम्हारे घर में आने जाने वालों में से है अब अलैकुम आलकम तवाफात से मुराद गुलाम और खादिम है जैसे तुम्हारे गुलाम खादिम तुम्हारे घर में आते जाते रहते हैं काम करते रहते हैं उसी तरह से ये बिल्ली भी तुम्हारे घर की एक मेंबर है तुम्हारी मातहती में है और ये नजस और नापाक नहीं है तो उन्होंने बर्तन झुकाया और उसको पीने के लिए उसी में से पीने दिया और उसी पानी से आप देखें साहबी ने वज़ू भी किया यानी यह बताया गया कि ये नापाक नहीं अगर किसी बर्तन में मुंह डाल दें तो उससे वो खाना या पीने की चीज़ नापाक नहीं हो जाती है इ कि अभी चूहा खा के आइए इ लाइए कि अभी चूहा खा के आइए और मुंह से खून टपक रहा है और फिर डाल दें जाहिर बात है ये उसके मुंह की वजह से नहीं बल्कि उस चूहे की वजह से और उसके खून और नजासत की वजह से वो पानी नज़स होगा अगर थोड़ा पानी है तो नहीं तो आम हालात में ऐसा कोई मसला नहीं ख़ास करके ऐसी बिल्लियाँ जो आज कल जो है वो कैट फूड वग़ैरह खाती हैं जो नजस नहीं हो तो इसमें कोई हरज इसमें नहीं है बाज़ बिल्लियाँ चूहे नहीं खाती बिल्कुल चूहा सामने खेलता रहेगा और उसको देखती रहेगी सुस्ती से ऐसी भी बिल्लियाँ होती हैं तो इस हदी से बात मालूम होती है कि बिल्ली नजस नहीं है मजीद ये बात मालूम होती है कि सहाबा किस तरह से जानवरों के साथ अच्छा सलूक करते थे अरबों के बारे में एक आम तस्वूर यह है कि बहुत ज्लत कस्म के लोग थे जंगों में लड़ते थे मार काट करते थे एकदम और बच्चियों को दफन करते थे तो बिला शुभ वहाँ पर ऐसे लोग थे सारे के सारे लोग ऐसे नहीं थे नबी कर खसूस नबी करीम सल्हम के साहबा बड़े ही नर्म दिल इंसान थे और सीधे साधे लोग थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सर सराखों पर रखते थे सीने से लगाते थे उसकी तामील करते थे उस पर बिल्कुल यकीन करते थे जब आपने कहा कि ये नजस नहीं है तो उन्होंने ये दिखाने के लिए क्या किया बर्तन को झुका दिया पियो और कौन सा पानी वज़ू का पानी है वज़ू करने के लिए रखा हुआ पानी उसमें से पिलाया है ये नहीं उसको मार के झिड़क दिया नालाए कहीं कि हट यहाँ से वज़ू के पानी में आती है नहीं बल्कि उन्होंने क्या किया बर्तन झुकाया यहाँ तक के उनकी बहू कोताजुब हुआ ये क्या कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि हमने मैंने अल्लाह के नबी वसल्लम से सुना कि ये नापाक नहीं है नजस नहीं है बल्कि ये तुम्हारे घर में आने जाने वाले गुलामों की तरह है इस हदीस को इमाम अबू दाऊद इमाम अहमद तिरमिदी नसीब नमाजा सभी ने रिवायत किया है सुना नबी दाऊद हदीस नंबर पचहत्तर पर यह है और तहारत के अहकाम में इमाम अबू दाऊद ने उसको जिक्र किया कि कौन सा पानी पाक है कौन सा पाक नहीं है तो अगर बिल्ली बर्तन में मुंह डाल दे, तो नजस्त नहीं होता है अब्दुल्ला इबन राफ़े कहते हैं कुल तुल अबी हो रही रचा लिमा क्न नीचा अबा हो रही अब अब्दुल्ला अबिन राफ़े कहते हैं अब्दुल्ला इब्न राफ़े कहते हैं कि मैंने अबू हर रदी अल्लाह उतारा से कहा कि आपकी कुनियत अबू हुरैरा कैसे पड़ी है हिर कहते हैं अरबी ज़ुबान में बिल्ली को और हुरैरा कहते हैं यानी हिर जो है बिल्ले को कहते हैं मेल जो होता है उसको कहते हैं हुरैरा छोटे बिल्ले को कहते हैं या बिल्ली को कहते हैं तो कहा कि आपकी कुनीत कैसे पड़ी बिल्ली वाला काला अमा तफ रक मन्नी अब हुररा रदी ने कहा कि मुझसे डर नहीं लगता तुमको अमा तफरा मिन्नी यानी ऐसे कुछ भी सवाल पूछते हो डर नहीं लगता मुझसे कुल तो भला वल अल्ला ही इन नीला हाबुक का अल्लाह की कसम बिल्कुल सही है मुझे डर तो लगता है आपसे यानी हैबत होती है इल्मी शख्सियत बड़ी शख्सियत जो होती है जितना बाउसूल इंसान होता है उसकी हैबत उतनी ज़्यादा होती है तो कहा कि हाँ डर तो लगता है लेकिन बस यानी पूछना चाह रहे थे पूछ लिया काला कौन तो अर आ कहा कि मैं बात यह है कि मैं अपने घरवालों की बकरियाँ चराता था वकली हुई रतनसतन तो मेरे पास एक बिल्ली थी छोटी सी और फ़कुन तो अदाओ बिल्लीफ़ी शन तो रात के वक्त मैं उसे संभाल के एक पेड़ के तने में या जहाँ भी उसके लिए जगह बनाई हुई थी वहाँ संभाल के उसको रखता था फहीदा काना और बिहार आई और जब दिन आता तो बिल्ली वहाँ से निकाल लेता और उसके साथ जाता फल तो बिहा और उसके साथ खेलता उसके साथ खेलता फ़कन न उन्नी अबा हुरेरा बस यही वजह है कि मुझको कुनीत मिल गई लोगों ने मुझको अबू हरेरा बिल्ली वाला कहना शुरू कर दिया तो इस तरह से उनकी कुत अबू हेरा रखी गई इस हदीस को इमाम तिरमिदी ने अपनी जामे में रिवायत किया है हदीस नंबर तीन हज़ार आठ सौ चालीस और इसकी सनत हसन है तो इससे आप समझ सकते हैं कि अब हरेकूनीत किस बुनियाद पर पड़ी कि उनके पास बिल्ली थी और बिल्ली का शौक़ उनको था और बिल्ली से खेलते थे और उसको संभालते भी थे तो इससे उलमा ने जवाब दिया है कि जानवर के साथ खेलने की का जवाज़ इसमें है बिल्ली के साथ खेलने का इसलिए अल्फाज क्या है फलाइ बिहा मैं उसके साथ खेलता था तो इसमें कोई हर्ज नहीं कि बच्चा जानवर के साथ खेले हाँ शर्त है कि फिर कुत्ता वत्ता इसमें नहीं लिया जाए क्योंकि उसकी इजाज़त इस्लाम में नहीं है लेकिन बिल्ली की इजाज़त इस्लाम में है तो उन्होंने बिल्ली पाल रखी थी तो इससे बिल्ली पालने का जवाब भी हमको मालूम होता है क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनको मना न करना और उसको बरकरार रखना ये एक एतबार से इजाज़त थी तो लोगों में इसी नाम से वो मशहूर हो गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबाहिर कहते थे और कभी अबू वैरा भी कहते थे तो इस तरह से दोनों नाम से आप उसको उनको पुकारते थे इसी तरह से आप देखें वाहब भी इबन की रिवायत कहते हैं अन अब उमर अमिन फ़ी मकान कबी है अब्दुलबन उमर रली तहमा ने एक चरवाहे को देखा कि वह अपने जानवरों को बकरियों को ऐसी जगह चरा रहा है जो जगह ख़राब है चरने के अतबार से ठीक नहीं या तो वहाँ घास ठीक से नहीं है या उनके लिए अजियत हो सकती है पहाड़ी में से गिर सकते हैं कुछ नुकसान हो सकता है बुरी जगह है वक़दरा आ इबन अमर आ अम सलमिन हो और इबन उमर ने देखा कि कोई दूसरी जगह है जो उसके मुकाबले में ज़्यादा अच्छी है वक़ाल अबन उमर वही हक या राई इब्न उमर ने आवाज़ दे के उससे कहा ए चरवाहें बुरा हो तेरा हाउल जानवरों को वहाँ से हटा वहाँ से हटा यहाँ आ दूसरी जगह जहाँ अच्छे तौर तो पर उनको चराया जा सकता है हविला वहाँ से पलटा दे उनको फिन <फ़ीण> समय तो नबी और सल्लामूल इसलिए कि मैंने अल्लाह के नबी सल्हस को यूँ फ़रमाते सुना है कुल रा <राएं> मसूल अनरा रईत ही हर चरवाहे से उसकी बकरियों के बारे में पूछा जाएगा ये इंसानों के बारे में भी और लिटरली जानवरों के बारे में भी है कि हर राई से राई चरवाहे को कहते हैं हर चरवाहे से उसकी बकरियों के बारे में पूछा जाएगा यानी तो उन्हें उनको ठीक से गिजा क्यों नहीं दी उनके खाने का इंतजाम क्यों नहीं किया और ख़राब क्यों खिलाया अच्छा क्यों नहीं खिलाया उनके सामने दो जमीनें थी अब कोई नुकसान तो था नहीं यहाँ चराए लेकिन गलत जगह क्यों चरा रहा बुरी जगह में क्यों चरा रहा वहां से हटा अच्छी जगह चरा क्यों इसलिए कि इनके लिए यहाँ गजा बेहतर है क़्यामत के दिन अल्लाह ताला तुझसे इसका भी सवाल पूछेगा सहाबा इतने हसास थे इस मामले में इतने सेंसिटिव थे इस मामले में कि जानवरों के बारे में ख्याल रखते थे कि बुरी जगह चराने की बजाय उसको क्या करना चाहिए चरवाहे को अच्छी जगह चरा चराना चाहिए इस हदीस को इमाम अहमद ने रिवायत किया है और सही आमिर शेख अलबानी कहते हैं कि इसकी सन्त हसन है सही आमे हदीस नंबर तीस पर उन्होंने इसको बयान किया है ये हमारा दीन है कि जानवरों के साथ में अच्छा सुलूक किया जाए खूस उनकी ग़ा का खाने पीने का ख़याल रखा जाए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में आ फरमाते हैं माँ में मुसलिमिन या गरीसर सन जो भी मुसलमान कोई पेड़ लगाता है आओ यरा या खेती करता है फ़याकुल तयर ओ इंसान उनओ बही मत फिर उसकी खेती में से उसके पेड़ में से कोई परिंदा कोई इंसान या कोई चौपाया खाता है इल्ला का लहु बिही भी सदक़ा तो उसे उस जानवर के खाने पर भी सदक़ा मिलता है सदक़े का सवाब मिलता है इस हदीस को इमाम अल बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है सही बुखारी हदीस नंबर दो हज़ार तीन सौ बीस सही मुस्लिम हदीस नंबर एक हज़ार पाँच सौ तिरपन तो इन दोनों हदीसों से बात मालूम होती है कि जानवरों के साथ अच्छा सुलूक करना चाहिए और जानवर अगर हमारी ग़ा में से खाते हैं वो ज़ाय नहीं होता है वो हमारे लिए अजर स्वाब बन जाता है देखिए खेती और पेड़ लगा दिया इंसान ने लेकिन लेके तो नहीं बैठा ना कि परिंदे आए खाएं बकरिया आए खाएँ ले नहीं बैठा लेकिन लगा दिया पेड़ तो उस हिजत के बगैर भी जब जानवर उसमें से खाते हैं परिंदे उसमें से चर चुकते हैं तो उसको उसका भी स्वाब मिलता है इससे मालूम होता है कि इस्लाम में जानवरों का के साथ एहसान और उनको फ़ायदा पहुंचाने की कितनी बड़ी फ़ज़ीलत है कि ये भी सदक़े का सवाब है सिर्फ़ इंसान नहीं बल्कि जानवर भी तो इस हदीस में हमने देखा कि जैसे उस फाईशा औरत की मखफ़रत हुई इसी तरह से आप कई सहाबा के वाकयात और और भी वाकयात हैं लेकिन इतना वक्त हमारे पास नहीं इसको इतना काफ़ी हमारे लिए इस हदीस को समझना कि जानवरों के साथ इस्लाम में अच्छे सुलूक की तालीम है खसूस उनके खाने पीने का लिहाज रखना ये हमारी ज़िम्मेदारी है चलिए आगे बढ़ते हैं हदीस नंबर पैंतालीस अब ये उसकी बिल्कुल बरक्स हदीस है हदीस नंबर पैंतालीस उसका बाब क्या है बिल्ली को बांध कर रखने वाली औरत का वाक़ यहाँ बांधने का मामला असल नहीं है उसको भूखा मारने का मसला असल है आइए देखते हैं क्या वाक़ है अल्फाज हदीस के हैं अन अब्दिल्ल इबन उम रदील्लामुमा रसूल अल्लाह सल्क अब्दिल्ल इब्न उमर रदी अल्लाह तुम रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लाम ने इर्शाद फरमाया عذبت امرأة फ़ी हिरथिन एक औरत बिल्ली की वजह से अजाब दी गई अजाब की हक़दार बनी सजनच हा हत मातच उसने उस बिल्ली को सिजन में क़ैद में डाल दिया कमरे में बंद कर दिया सजनच हा हत मातच और बंद ही रखा इस हाल में कि वो मर गई फदखलत दख़लत फ़ी हन्नार वो इस बिल्ली के केस में जहन्नम में गई इस बिल्ली की वजह से वो जहन्नम में गई ला या अमत हा वला सकत हा इबसच हा उसने जब उसको कैद किया बांधा या उसको रूम में बंद करके रखा तो न उसको खिलाया न पिलाया वाहिया तरकत हा और न उसको छोड़े रखा मिन खशाशिल अर्द कि वो जानदार ज़मीन में कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं वो खा लें चूहे या इस तरह से जो भी बिल्लियाँ खाती हैं चिपलक भी खा लेती कभी तो ये खा लें तो इस तरह से जो ज़मीन में चलने वाले रेंगने वाले जानदार होते हैं वो खुद ही खा लेती तो यहाँ बताया गया कि इसने उसको जब कैद करके रखा तो उसकी जिम्मेदारी थी कि उसकी ग़ा का इंतज़ाम करती वो तो नहीं किया ठीक है नहीं अगर इंतज़ाम किया तब भी कम से कम उसे खुला छोड़ देती वो अपनी ग़ज़ा खुद ढूंढ लेती अल्लाह ने उसकी जबिल्लत में उसकी फ़ितरत में ऐसा रखा है कि वो बराबर अपनी गज़ा ढूंढ के निकालती है तो वो कीड़े मकोड़े या कुछ भी इस तरह के चूहे वगैरह वो खा लेती ढूंढ के वो भी नहीं किया खुद भी नहीं दिया और उसको खुद अपना रिज तलाश करने के लिए खुला भी नहीं छोड़ा यहाँ तक कि बिल्ली भूख प्यास से मर गई तो उस बिल्ली की वजह से वो औरत जहन्नम में गई इस हदीस को इमाम अलबुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है सही अलबारी किताबलमसाक़ात हदीस नंबर दो और सही मुस्लिम किताब सलाम हदीस नंबर 2242. इस हदीस से मालूम होता है कि एक इंसान एक जानवर के साथ बदसलूकी करने की वजह से भी जहन्नम में जा सकता है उसको क़ैद करके मार डालने में वह औरत जहन्नम में गई एक रिवायत में है दलतम रतना फ़िरन रबकत हा एक औरत एक बिल्ली को बांध के रखने की वजह से जहन्म में गई फलम तो तम हा वम मिन खशाशिल अर्द उसने उसे खिलाया भी नहीं और उसे छोड़ा भी नहीं कि वो खुद ज़मीन के कीड़े मकोड़े चूहे और इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको ढूँढ के खुद ही खा लें तो ऐसा नहीं किया उसने तो इसकी वजह से वह जहन्नम में गई इमाम अल बुखारी ने खल्क हदीस नंबर तीन हजार तीन सौ पर इसको रिवायत किया है यहाँ बात जहन्नम में जाने की वजह बांधना नहीं है जहन्नम में जाने की वजह यह है कि उसने बांधा तो खिलाया पिलाया नहीं अगर बांध के खिलाती पिलाती तो उस पर अजाब नहीं होता और खुला छोड़ देती तो बिल्ली अपना खुद रिस्क तलाश कर लेती फिर भी अजाब नहीं होता। तो यहाँ असल मसला खिलाने पिलाने से रुके रहना और ग़ज़ा नहीं देना यहाँ तक कि मर जाए ये असल वजह है एक और रिवायत है वह औरत कौन सी थी इस उम्मत की थी पिछली उम्मत की थी एक रिवायत से मालूम होता है वो पिछली उम्मत की औरत थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं वाल जहन्नम मेरे सामने पेश की गई फ़राई तफ़ी ए मरातन में बनी इसराइल तो मैंने देखा बनी इसराइल की और एक औरत को तो आद दबूफ़ी हिरतिल्ल्हा उसकी जो बिल्ली थी उसके बाब में उसे अजाब हो रहा था हिरतिल्ह में इशारा इस तरफ कि वो बिल्ली आम कोई बिल्ली रास्ता चलती हुई नहीं थी उसकी अपनी थी हिरतिल्ल और उसने उसको क्या किया उसकी वजह से उसको अजाब हुआ क्यों हुआ अरबकत हा फ तुतम हा उसने उसको बांध के रखा और उसे खिलाया नहीं वलम तद कोशाशिल अर्ब और नौ से छोड़े रखा कि वह ख़ुद अपना रिश तलाश करती इमाम मुस्लिम ने किताबुलकसूफ़ में हदीस नंबर नौ सौ चार पर इसको रिवायत किया है तो इस हदीस से बात मालूम होती है कि वो पिछली कौम की बनी इसराइल की औरत थी क्या जानवर को बांधना जायज़ है जायज़ है खसूस जबकि वो भाग की जाता हो अनसिब मालिक रदी अल्लाह तार कहते हैं कला रजुल या रसूल अल्ला अक्ल हा व अतवक्ल और हा व अतवक्ल अल्लाह के रसूल मैं अपने ऊँट को बांध के अल्लाह पर तोल करूँ या उसे खुला छोड़ कर अल्लाह पर भरोसा रखूँ कला एक्ल हा व तवक्ल आपने कहा उसको बाँध और अल्लाह पर भरोसा भी रख इस हदीस को इमाम मदी ने रिवायत किया है सैल जाम शग़ी हदीस नंबर एक हज़ार अड़सठ हदीस हसन दर्जे की है इस हदीस से बात मालूम होती कि जानवर को फ़ी नफसी ही बांधना हराम नहीं है तो उस औरत को जो अजाब हुआ वो बांधने की वजह से नहीं हुआ बल्कि उसको अजाब इसलिए हुआ कि उसने जब बांधा उसको तो उसका खाना पीना उसको नहीं दिया इसीलिए इब्ने हजर रहा फरमाते हैं वह ही जवाज व रिबाती इस हदीस में दलील है कि कोई इंसान बिल्ली पालना चाहे तो पाल सकता है और वबाती हा और उसे बांध सकता है इदालम युह मल इकामा व सक़ यूँ बशरते कि वो उसके खाने पीने में यानि खिलाने पिलाने में लापरवाही न बरते अगर खिलाता पिलाता है तो बांध के रख सकता है वो यलतः को का गैर उलहिर्र थी माफी माना और इस हदीस के ज़िम्मन में वो सारी चीज़ें वो सारे जानदार आते हैं जो इसी माना में हैं तो उनको बांध के रख सकता है जैसे शिकारी कुत्ता किसी का है तो वो उसको बांध के रख सकता है भाई शिकार के वो काम आएगा अब बाहर के हिस्से में उसको कहीं बांध के रख दे खूंटे से कोई मसला नहीं है तो जानवरों को बांधना हराम नहीं है लेकिन अगर बांध के रखता है तो उस पर लाजिम है कि उसको अजियत ना दे और उसकी रिस्क का इंतज़ाम करे उसकी ग़ा का इंतज़ाम करे इमाम मनवी कहते हैं वो फ़िल हदीस दलील उन ली तहरीम कत्ल हिर इस हदीस में दलील है इस बात की कि बिल्ली को कत्ल करना जायज़ नहीं है हराम है बिल्ली को कत्ल करना हराम है अगर जायज़ होता तो उस औरत को अज़ाब क्यों होता वैसे भी मार डाला अच्छी बात है पत्थर से नहीं मारा उसको हाँ तलवार से नहीं मारा उसको बांध दिया अपने आप मर गई अगर कत्ल करना जायज़ होता बिल्ली को तो उस औरत को अजाब नहीं होता है इसीलिए इमाम नवी कहते हैं इस हदीस में इस बात की दलील है कि बिल्ली का कत्ल करना हराम है वह तहरीम हबसहा बेगैर तयाम और शराब और बिल्ली को कैद करके रखना इस तौर पर कि उसको खाना पीना न दिया जाए ये भी हराम है मसला अगर कोई आदमी दो तीन दिन के लिए बाहर जा रहा है और घर में बिल्ली है और बाहर जाएगी तो नुकसान हो सकता है उसको तो घर में उसको बंद करके रख दे और चला जाए तो इसमें गुनाह नहीं है बशर्ते कि वो उसके खाने पीने का ठीक से इंतज़ाम कर दे अगर खाने पीने का इंतज़ाम है तो कोई मसला नहीं है तो कहते हैं कि इस हदीस में दलील है बिल्ली के कत्ल की और उसकी कैद करने की जबकि उसके खाने पीने का इंतज़ाम ना किया गया हो वह अम्मा दुखो लुहाफ़ नार बबीहा वज़ाहिरदीस ही अनह कानत मुस्लिम कहते हैं जो हदीस में बात आई है कि वो बिल्ली की वजह से जहन्नब में गई तो सवाल ही पैदा होता है कि वो मुसलमान और थी या काफिर थी तो कहते हैं कि हदीस में जो बयान किया जा रहा है कि वो बिल्ली की वजह से जहन्नम में गई तो हदीस का जाहिर यह है कि वो मुसलमान थी वरना अगर मुसलमान नहीं होती तो कहा जाता अपने कुफर की वजह से गई शिर की वजह से गई तो वजह उसकी जहन्नम में जाने की बड़ी वजह छोड़ के छोटी वजह क्यों जिक्र की जाएगी असल वजह तो फिर शिरक और कु्र है तो फिर वो तो जहन्नम में जाना ही है लेकिन यहाँ वजह वो नहीं बताई जा रही है वजह क्या बताई जा रही है बिल्ली की वजह से बनी इसराइल की औरत से तो इससे मालूम हुआ कि वो मुसलमान थी यानी उस ज़माने की मुसलमान औरत थी बनी इसराइल में से वह इन नमा दखलत नारा बस्सा बबिल हिर और वो जहन्नम में गई तो बिल्ली की वजह से गई यानी उसको सताने और उसको ग़ा न देने और कत्ल करने की वजह से इससे बात मालूम होती है कि एक इंसान जो नमाज़ी हो और नेकियां करने वाला हो अगर अल्लाह ताला चाहें तो उसको उस एक गुनाह की वजह से जो जानवर से जुड़ा हुआ है उस एक गुनाह की वजह से भी जहन्नम में डाल सकता है इसलिए किसी गुनाह को हल्का नहीं समझना चाहिए हाँ मेरी बहुत सारी नेकियां हैं कुछ नहीं होता एक आध चल जाएगा अगर अल्लाह ताला चाहे और नाराज़ हो जाए तो उसकी सारी नेकियां अपनी जगह इस्लाम की वजह से जहन्नम से निकलेगा लेकिन जाएगा अगर अल्लाह चाहे तो माफ़ ना भी करे तो किसी गुनाह के बारे में ये नहीं सोचना चाहिए कि कुछ नहीं होता हम तो नमाज पढ़ते रोज़ा रखते हज भी किए उम्र भी किए तिलावत भी करते जिक्र भी करते बहुत कुछ करते हम लोग एक आध से क्या हो जाता अगर एक गुनाह से ही अल्लाह पकड़ना चाहे पकड़ सकता क्योंकि अल्लाह को हक अल्लाह को हक है, है। गुनाह की सजा अल्लाह के यहां है तो अल्लाह उसकी सजा देना चाहे दे सकता है इसलिए किसी गुनाह को हल्का नहीं समझना चाहिए अब्दुल्ला जाफर कहते हैं एक लंबी रिवायत में अल्लाह के नबी बारे में कहते हैं <दिया> था था मिनल अनसार अल्लाह के नबी सलम एक अंसारी के बाग में गए फ़ैदा जमल तो आपने देखा एक ऊँट है फलम मारा नबी सन वर फ़तना जब उस ऊँट ने अल्लाह के नबी सल्लासम को देखा तो रो यानि आवाज़ करके रोने लगा हन्ना आवाज़ करने लगा और हिन हिनान लगा आप कह सकते हैं अपनी ज़ुबान में उसको आवाज़ करने लगा व आइना आँखों से आंसू निकलने लगे उस ऊँट के आँखों से नबी फ़तःल्ल फ़ मफ़रा फ़सकत अल्लाह के नबी सल्ला खुद चल के उस ऊँट के पास गए उसके करीब गए और उसके सर पर दिफ़रा, उसके सर पर हाथ फेरा और आपके हाथ फेरते ही उसको सहलाते ही वो चुप हो गया फ़ा लमन जमल लिमन हादल जमल اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا کون مالک ہے اس اونٹ کا کس کا ہے اونٹ یہ فجاء افت من الانصار فقال لي يا رسول الله ایک نوجوان انصاری صحابی ائے کہا اللہ کے رسول یہ میرا اونٹ ہے وقال افلا تتقي الله في هذه البهيمه التي ملكك الله مل اياها آپ نے کہا یہ جو چوپائے ہیں یہ جو جانور ہیں جو اللہ تعالی نے تم کو جن کا مالک بنایا ہے तुम्हारी मिल्कियत में जिनको दिया है तुम इनके बारे में अल्लाह से डरते नहीं तुम इन जानवरों के बारे में अल्लाह से डरते नहीं जिनका मालिक अल्लाह ताला ने तुमको बनाया है फ़ैिन शका इलाई इसलिए कि इस ऊँट ने मेरे पास तुम्हारी शिकायत की फ़ैिन शका इलाई अन्ना का तुझे हो व तुद इब हो इस बात की शिकायत की कि तुम इसको भूखा रखते हो और इससे खूब काम लेते हो इसकी ताक़त से ज़्यादा तुम तो उससे थका के इसको काम लेते हो ख़ूब इसने शिकायत की मुझसे मालूम नहीं ऊँट ने वाकई अल्फाज में शिकायत की जो आपको समझा या उसके हाल को देख कर शिकायत आपने समझ ली इसका हाल ख़ुद बता रहा है कि इसको खिलाया नहीं जाता ठीक से और उसको काम बहुत किया जाता है या फिर उस ऊँट की बात आपकी समझ में आई अल्लाह की तौफीक से क्योंकि जानवर भी आपस में कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो अल्लाह ताला इस पर कादिर है कि अपने नबी को उसकी बात समझा दिए और इससे मालूम होता है कि आप देखें ऊँट आया और ऊँट अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख कर रोने लगा कितनी रहीम शख्सियत थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जानवर भी आपको पहचानते थे तो इस हदीस से बात मालूम होती है कि अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने भूखा रखने और जानवर से उसकी ताकत से ज़्यादा काम लेने पर साहबी को डांटा कि तुम इसको थका देते हो इसे खूब काम लेते हो और इसको खाना खिलाते नहीं हो ठीक से तो आपने डांटा उन सहाबी को इसे मालूम था इस्लाम कितना प्यारा दीन है अब दुनिया भर के लोग इंसानियत इंसानियत कर रहे हैं इंसान इस्लाम तो जानवरों के बारे में भी सिखाता है बदकस्मती से बहुत से मुसलमान इस इस्लाम के इस सबक को भूल गए हैं और दुनिया में इसको वाकई वैसे आम नहीं कर रहे हैं अपने अमल से ताकि इंसानियत देखे और इस्लाम से करीब आए इस हदीस को इमाम अबू दाऊद ने अपनी सुनन में रिवायत किया है हदीस नंबर दो और हदीस सही है बल्कि सईद इबन जुबैर देखिए कहते हैं मर्र इब्न अमर बेफियानिबिन क्रैश इबन उमर अदी अल्लाह ताल कैश के कुछ नौजवानों के पास से गुज़रे कद न सब वन उन्होंने एक परिंदे को बांध के रखा था एक रिवायत में दजा द हई यथन एक ज़िंदा मुर्गी थी वह यरम ना हो और उसको बांध के वो लोग उसको तीर मार रहे थे उस पर तीर चला रहे थे वक़दा अल साहिब तयरी कुल्लौ अतिमलहिम और उन्होंने ये शर्त रखी थी कि जो भी हमारा तीर चूकेगा इस मुर्गी वाले को मिल जाएगा यानी जो एक तरह से जैसे जुआ होता है या इस तरह की जो सूरतें होती कि जो भी चूक जाएगा तीर तुम ले लेना और तुम्हारी मुर्गी को हम तीर मारेंगे एक के बाद एक अपना निशाना आजमाएंगे हमको शार्प होना है तीर अंदाजी में आज में हमको क्या करना है पक्का होना है तो हम क्या कर रहे हैं ये तुम्हारी मुर्गी लाओ यहाँ से हम फड़केगी उसको हम तीर मारेंगे जो लगेगा वो लगा जो नहीं लगा वो तुम्हारा पलमारा अबना मारा तफर रखो वहाँ से जब अब्दुल्ल अबन उमर रदी अल्लाह तुम गुजरे जब उन लड़कों ने देखा आपको तो भाग खड़े हुए वहां से वहां से भाग गए फ़द्द इबा अब्दुल्ल अबन उमर बहुत गुस्सा हुए फ़काल अबन अमर मनफा अलहदा मनफा अलहदा किसने किया ये लन मनफा अलहदा अल्लाह की लानत हो उस पर जिसने ये किया है अल्लाह की लानत हो उस पर जिसने ये किया है कि एक मुर्गी को बांध के उस पर तीर चला रहे जिंदा मुर्गी पर रसूल فيه الروح غرضا अल्लाह के रसूल वसल्लम ने الروح غرضا अल्लाह के रसूल वसल्लम ने ऐसे हर इंसान पर लानत की है जो किसी जानदार को जिसमें रूह बाकी है जिंदा हैं ये नहीं लकड़ी और मिट्टी का बना हुआ है ज़िंदा हैं जिसमें रूह हैं उसको इस तरह से नस्ब करके उसको उसको शिकार आजमाई उस पर की जाए तिर अंदाजी उस पर की जाए और अपनी निशानेबाजी उस पर की जाए आपने इस पर उस पर लानत की है कि अपना निशाना बेहतर बनाने के लिए ट्रेनिंग के तौर पर जानदार पे तुम तीर चलाओगे उसको कितनी तकलीफ़ हो रही है इससे कि तुम्हारा तीर आके उसके जिस्म में घुस जाता है उसको तकलीफ़ नहीं होती है तो आपने कहा कि अल्लाह की लानत हो उस पर जो किसी जानदार को इस तरह से नसब करके उस पर तीरंदाजी करे इमाम अल बुखारी और मुस्लिम दोनों ने इसको रिवायत किया है सही बुखारी व सईद हदीस नंबर पाँच हज़ार पाँच सौ पंद्रह और सही मुस्लिम किताबल सद में यह हदीस एक हज़ार नौ सौ अट्ठावन पर मौजूद है अल्फाज मुस्लिम के हैं तो इन अहदी से बात मालूम होती है कि दोनों बाब हमने देखे कि जानदारों के साथ एहसान करने से कभी ऐसा भी होता है कि अल्लाह ताला किसी गुनाहगार इंसान की मफफ़रत कर देता है जैसे उस ख्वाहिशा औरत की हो और कभी जानवरों के साथ बुरा सलूक करने पर उनको मार डालने पर उनको तकलीफ़ देने पर उनको अजाब देने पर अल्लाह ताला कभी उस पर एक गुनाह पर भी अजाब देता है लिहाजा किसी नेकी को छोटा नहीं समझना चाहिए और किसी गुनाह किसी गुनाह को भी हल्का नहीं समझना चाहिए अल्लाह ताली हम सबको समझे फ़रमाएँ और कुरान सुन्नत का इल्म हासिल करने और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तोफ़ीदा फरमाएँ अकोद वस्तिक वरकुम